मेवात का मास्टरमाइंड निकला आम आदमी पार्टी का नेता। जब बुलडोजर चला आम आदमी पार्टी का नेता सब सच सच बोल पड़ा। जिसने निकिता तोमर को मारा उसी का चाचा निकला आम आदमी पार्टी का नेता। ये पार्टी या पत्थर फेंकने वालों की फैक्ट्री, कभी ताहिर तो कभी जावेद। जब खट्टर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला तो उतर गई योगी। यूपी के जेलों में बढ़िया इलाज के लिए भेजे जाएंगे सारे शांति दूत। जब जब हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है टारगेट, तो मेवात से क्यों होता है कनेक्शन? हरियाणा के मेवात में क्या क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन लोग जो नहीं देख पाए वो है एक पार्टी की सच्चाई, जिसमें कभी अच्छा नेता हुआ करते थे, लेकिन अब ये पार्टी पत्थर फेंकने वालों की फैक्ट्री बन चुकी है। यहाँ हिंसा की साजिश करता विधायक, पार्षद सब हुआ करते हैं, मतलब उन्हें शिरोमणि बनाकर सिराखों पर बिठाया जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली हिंसा तो आपको याद ही होगा, फिर ताहिर हुसैन भी आपको याद होगा, फिर तो मोहम्मद अंसार भी आपको याद होगा। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है जावेद अहमद का। हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता और आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जावेद अहमद पर हरियाणा में FIR दर्ज की गई। इस मामले में उसे बजरंग दल के नेता प्रदीप कुमार की हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया। इस केस में पुलिस उससे दो बार पूछताछ कर चुकी है। बात 31 जुलाई की है, जब सोहना के निरंकारी चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार को रास्ते से हटा दिया गया। इस मामले में 2 अगस्त को केस दर्ज हुआ। घटना के वक्त प्रदीप के साथ उनका दोस्त पवन कुमार भी था। FIR के मुताबिक नूह के नल्हा मंदिर से रेस्क्यू कराने के बाद उन्हें नूह पुलिस लाइन लाया गया था। वहां से रात करीब 10:30 बजे वो अपनी 3 गाड़ियों से घर के लिए निकले। उन्हें एक पुलिस वैन एस्कॉर्ट कर रही थी। सोना के पास पुलिस वैन के पुलिसकर्मी ये कहते हुए चले गए कि आगे रूट क्लियर है। पुलिस कर्मियों के जाते ही एक स्कॉर्पियो कार ने उनका पीछा करना शुरू किया। इसके बाद KMP एक्सप्रेस टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी को कार ने ओवरटेक करके रुकवा लिया। पवन ने पुलिस को बताया कि भीड़ में मौजूद जावेद अहमद ने कहा, इन्हें मार दो, बाकी मैं देख लूंगा। इसके बाद भीड़ ने दोनों को कार से निकालकर बुरी तरह पीटा। पवन को तो पुलिस वहां से निकाल कर ले गई, लेकिन प्रदीप नहीं निकल सका। उसके सिर पर लोगों ने रॉड से हमला किया। बाद में प्रदीप को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पवन ने FIR में लिखवाया कि वो जावेद अहमद को अच्छी तरह पहचानता है। उन्हें सोना पर भी 200 लोगों की भीड़ मिली, जिसे जावेद अहमद लीड कर रहा था। जावेद अहमद का केस बिल्कुल नया है, लेकिन इस पार्टी का चरित्र जरा देख लीजिए। दिल्ली में माहौल खराब हुआ और जिन छतों से बोतल में ऑयल और पत्थर फेंके गए वो ताहिर हुसैन के घर की छत थी। पिछले साल दिल्ली में माहौल बिगड़ा तो उसका मास्टरमाइंड निकला मोहम्मद अंसार। मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी का सदस्य निकला। आम आदमी पार्टी ऐसे नेता को पाल रही थी जिसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो मोहम्मद अंसार के चेहरे पर हंसी नजर आ रही थी और वो मीडिया कर्मियों को गंदे इशारे कर रहा था। अगर आपको याद हो तो साल 2022 में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए और इसके मुख्य आरोपी अंसार का कनेक्शन मेवात से ही था। मोहम्मद अंसार के पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। अंसार का जीजा हरियाणा के मेवात का रहने वाला है। पुलिस ने अपने डोजियर में खुलासा किया कि 2009 में भी इसके खिलाफ कुछ ऐसे ही 2 मामले दर्ज हुए। मेवात से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका मुख्य पेशा कबाड़ी का था, जिससे इसने लाखों रुपए कमाए। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जहाँ भी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं उसका कनेक्शन मेवात से ही क्यों निकलता है और इसका क्या इलाज होना चाहिए? आप हमें जरूर बताइएगा।